अंधकार से हम प्रकाश की ओर यात्रा करते हैं, जोरदार तालियों से, हम जोरदार तालियों से आज का जो शुभारंभ जो कार्यक्रम हो रहा है उसका स्वागत करेंगे। इसके बाद श्री योगेंद्र प्रसाद जी की पुस्तक वेदांत सब साहित्य सम्मेलन से आत्मीयता के स्तर से जुड़े हुए थे। उसी अंतरिम सरकार ने ये भूमि भूखंड प्रदान किया और बड़े साहित्यकारों ने और सबने मिलकर अपना अंशदान, यहाँ तक कि कर सेवा करके इस भवन को बनाया है। ऐतिहासिक भवन आचार्य श्री भूषण सहाय जी हों, दिनकर जी हों, गणीपुरी जी हों, योगी जी हों, प्रभात जी हों, राजा राधिका रमन सिंह जी हों, एक बड़ी लंबी फहरिस्त है इस सम्मेलन की, अध्यक्षों की और बड़े सारे सहयोगियों की। जब आचार्य श्री भूषण साहेब यहाँ होते थे तो समझिए कि वह सम्मेलन का उत्कर्ष के दिन थे। मुंशी प्रेमचंद जी, जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं यहाँ उनके उपनाथ आती थी, वो सपने से जाते थे। एक महिमापूर्ण गरिमापूर्ण यह सम्मेलन का इतिहास रहा है और उसके उत्कर्ष के कारण ही भारतवर्ष के साहित्य से भी इसे अपना एक मंदिर समझते रहे, पढ़ा देखते रहे। श्री कृष्ण बाबू बिना सूचना के हर 10-15 दिन पर आ जाते थे, पूछ लेते थे कैसा चल रहा है। वो जमाना होता अब तो बुलाने पर भी लोग वो मुश्किल आते हैं, अब आने लगे हैं, लेकिन वो जमाना था जब बड़े बड़े राजनेता सब आ करके पूछते थे कि कोई कमी नहीं। किंतु परंतु लगाई गई है उसको हटा लिया जाए और इस वर्ष से भारतवर्ष के राजकाज की भाषा, राजकीय भाषा हिंदी हो, इसके लिए हमने आपसे प्रार्थना करता हूँ। हमने सभी प्रांतों के मुख्यमंत्रियों और महामंत्रियों को पत्र दिया है, आग्रह किया है और इस बार संकल्प किया है। इस बार का हमारा केंद्रीय विषय भी यही है और
बहुत सारे आयोजन हमें करने हैं इस पूरे वर्ष में। इसके बाद डॉक्टर खगेंद्र ठाकुर जी, डॉक्टर खगेंद्र ठाकुर, डॉक्टर सुदास पांडे, डॉक्टर सुदास पांडे जी, डॉक्टर इसके बाद श्री महेश्वर ओझा महेश जी, श्री महेश्वर ओझा महेश जी, डॉक्टर शालीग्राम सिंह अशाली, डॉक्टर शालीग्राम सिंह अशाली, बच्चे करने बिहार के साहित्यकार एवं सम्मेलन पत्र का सम्मेलन।